प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपकी समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आए हैं। विशेष तौर से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के दौरे को लेकर भी यहां जिक्र जरूर करेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन से इनके इस दौरे को लेकर अनुमति भी मांग ली गई है। ये दिल्ली जाने वाले हैं, आखिरकार क्यों इन्हें अचानक दिल्ली जाना पड़ रहा है, ये जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। साथ ही साथ इस दौरान बिल्कुल हम बात करेंगे मतदान को लेकर भी। यूं तो देखिये वोटिंग परसेंटेज अभी तक 75% के करीब सामने आई है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में मतदान अभी भी जारी है। ये कौन से वोटर्स हैं जो कि अभी भी बाकी रह रहे हैं, और 7 दिसंबर तक इनके पास अधिकार है मतदान करने का, तो फिलहाल इन वोटर्स की ओर से क्या कहा जा रहा है और इनकी संख्या कितनी है और कितना ज्यादा इंपैक्ट अब इन वोटर्स का भी आने वाले समय में देखने के लिए मिल सकता है, ये जानकारी भी हम आपको देंगे। साथ ही साथ बीजेपी की एक बड़ी बैठक 20 नवंबर को यहां बुलाई गई है परवाणु में, किस संबंध में ये बैठक यहां पर होने वाली है ये भी जानकारी हम आपको बिल्कुल देंगे। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिलने कुछ एक बागी अब आने लगे हैं उनके आवास ओक ओवर में, और इसके भी अब क्या मायने यहां पर निकाले जा रहे हैं अपडेट बिल्कुल हम आपको देंगे। लेकिन शुरुआत स्कूली छात्रों से आज करना चाहेंगे, क्योंकि जेईई और नीट की फ्री कोचिंग इन्हें मिल सके इसके लिए परीक्षा का शेड्यूल यहां जारी हो चुका है। ये 11वीं कक्षा के छात्र हैं जिनकी परीक्षा यहां पर ली जाएगी, और यदि अपना करियर ये जेई और नीट में यहां पर आजमाना चाह रहे हैं तो एक सुनहरा मौका भी इनके लिए हम ये कह सकते हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग की ओर से जो शेड्यूल जारी हुआ है 19 नवंबर को ये ऑनलाइन चयन परीक्षा होगी, यानी कि ऑनलाइन ढंग से यहां पर इस परीक्षा को लिया जा रहा है। मेरिट में जो छात्र आएंगे उन्हें यहां पर मुफ्त तौर पर ये जेई और नीट की कोचिंग मिलने वाली है। फिलहाल 1500 से 2000 के करीब ये विद्यार्थी होंगे जिन्हें यहां पर कोचिंग दी जाएगी, यानी कि मेरिट में आना काफी ज्यादा जरूरी है। प्रदेश में जितने भी सरकारी स्कूल हैं वहां के 11वीं कक्षा के छात्रों की परीक्षा होने वाली है। इस बार नई व्यवस्था ये की गई है कि जरूरी नहीं है यहां पर इन्हें पीसी का इस्तेमाल ही करना पड़े, यानी कि कंप्यूटर पर ही इस परीक्षा को देने के लिए बैठना पड़े, अपने मोबाइल फोन से भी ये इस परीक्षा को दे सकते हैं। इस तरह की स्वीकृति भी फिलहाल विभाग की ओर से प्रदान कर दी गई है। कारण इसका एक ये भी समझा जा रहा है कि प्रदेश में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहां पर कंप्यूटरों की संख्या काफी ज्यादा कम है, तो जाहिर सी बात है छात्रों की संख्या काफी ज्यादा रहेगी, तो इस बीच अपना मोबाइल फोन वो इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले ये परीक्षा 12 नवंबर को होने वाली थी, लेकिन फिर ये तिथि यहां पर बदलनी पड़ी। कारण इसका ये रहा, जो साइट थी वो काफी ज्यादा ओवरलोड हो गई थी, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों की ओर से इसमें रजिस्ट्रेशन की जा रही थी, तो कुछ एक छात्रों की ओर से शिकायत ये आई कि वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ही नहीं पाए, साइट नहीं चल पा रही थी, तो फिर कहीं जाकर इसे एक्सटेंड किया गया था और अब 19 नवंबर को ये परीक्षा होगी। एचआरडीसी कंडक्टर्स की ओर से नई डिमांड यहां पर उठाई गई है। दरअसल इन्होंने निगम प्रबंधन से और सरकार से ये मांग उठाई है कि अब बर्फबारी का दौर शुरू होने वाला है, अधिकांश क्षेत्रों में बर्फबारी होगी, तो इस बीच इन्हें स्नो किट प्रोवाइड की जाए। जनजातीय क्षेत्र के जो चालक परिचालक हैं उन्हें तो स्नो किट दे दी जाती है, लेकिन वहीं जो दूसरे क्षेत्रों में यहां परिचालक है या चालक है उनके बारे में कोई नहीं सोचता है, और ठंड का मुकाबला तो इन्हें भी यहां करना पड़ता है, यानी कि इन्हें भी कपकपाती ठंड में सर्विसेज देनी पड़ती है। ऐसे में या तो अपनी जेब से ही पैसे कर इन्हें स्नो किट खरीदनी पड़ती है या फिर साधारण जैकेट और जूतों में ही इन्हें काम चलाना पड़ता है, तो इन्हें भी ये सभी सुविधाएं यहां उपलब्ध होनी चाहिए, ये डिमांड इनकी ओर से उठी है। फिलहाल अब देखना होगा निगम प्रबंधन इस बारे में क्या कुछ कहता है। हालांकि इनकी इससे पहले भी कई तरह की मांगे सामने आई है, वेतन विसंगति से जुड़ी भी मांगे अपनी रख चुके हैं, लेकिन फिर तो इनकी मांग पर कोई गौर नहीं आजमाया गया। अब ये जो स्नो किट को लेकर यहां मांग उठ रही है, क्योंकि दुर्गम क्षेत्रों में भी शिमला से या अन्य क्षेत्रों से चालक परिचालकों को जाना पड़ता है, तो ऐसे में काफी ज्यादा समस्या के समक्ष उत्पन्न होती है। अब बात करना चाहेंगे ईवीएम मशीन्स को लेकर, क्योंकि लगातार यहां पर विपक्ष की ओर से ये सवाल उठाया जा रहा है कि ईवीएम मशीन्स की सुरक्षा पुख्ता नहीं है, और ऐसे में बार बार वहां अपने एजेंट्स को बिठाने का वो जिक्र कर रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग की ओर से इसमें स्पष्टीकरण दे दिया गया है। उनका ये कहना था कि जो भी स्ट्रॉन्ग रूम्स तैयार किए गए हैं वहां पर ट्रिपल लेयर सुरक्षा प्रदान की जा रही है, यानी कि जो पहले घेरे में यहां जवान तैनात है वो केंद्रीय सुरक्षा बल है, दूसरे घेरे में राज्य पुलिस तैनात है, और तीसरे घेरे में जिला पुलिस यहां पर तैनात की गई है। कोई भी ऐसी संभावना नहीं है जहां से ईवीएम मशीन्स में कोई गड़बड़ी हो सके, और तो और बात यहां पर यह भी की जा रही है कि सीसीटीवी कैमरा से भी निगरानी रखी जा रही है। 24 घंटों के भीतर इसी तरह की सुरक्षा ईवीएम मशीन्स के लिए यहां प्रदान हुई है, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। जो रिटर्निंग अधिकारी है हर जिला में वो 2 चक्कर सुबह शाम जरूर यहां स्ट्रांग रूम्स के आसपास लगाते हैं निरीक्षण के लिए। वहीं आज जो मुख्य
चुनाव अधिकारी मनीष गर्ग हैं, इन्होंने भी जायजा लिया है। ये निरीक्षण करने के लिए जिला शिमला के स्ट्रांग रूम में पहुंचे थे। अभी यहां पर भी तीन जगहों पर क्योंकि स्ट्रांग रूम्स तैयार हुए हैं, एक तो शिमला सिटी में जो पोर्टमोर स्कूल है वहां हुआ है, दूसरा संजौली कॉलेज में है और तीसरा कसुमटी स्कूल में भी स्ट्रांग रूम तैयार किया गया है। तो ये भी बिल्कुल निरीक्षण करने के लिए वहां पहुंचे थे और उचित दिशा निर्देश वहां पर फिर से तैनात अधिकारियों को और कर्मचारियों को दिए गए हैं। अगली बार डीएलएड प्रशिक्षुओं से जुड़ी यहां करना चाहेंगे, क्योंकि टेट की परीक्षा में जिस तरह से बीएड को पात्र मान लिया गया है तो जेबीटी प्रशिक्षुओं का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। आज पांचवा दिन था, इन्होंने कक्षाओं का बहिष्कार किया है और इनकी ओर से यह कहा जा रहा है कि अब ये 45,000 के करीब प्रशिक्षु कोर्ट का भी रुख करेंगे अगर जल्दी ही शिक्षा बोर्ड अपने इस फैसले को वापस नहीं लेता है। शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष से जब हमने बात की थी तो उनका ये कहना था अपने स्तर पर शिक्षा बोर्ड ने यह फैसला नहीं लिया है, बल्कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग की सलाह पर यह फैसला लिया गया है। प्रोस्पेक्टस के नियमों में जो बदलाव हुआ है प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने किया है और अब आने वाले समय में अगर ये फैसला बदलना होगा तो ये विभाग के हाथ में ही है। केवल यहाँ पर शिक्षा बोर्ड एक ऐसी संस्था है जो परीक्षा आयोजित करवाती है, इसके अतिरिक्त यहाँ अभी देखना होगा कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग अब इस मांग पर कोई गौर करती है या नहीं करती है, क्योंकि हवाला इसमें यह दिया जा रहा है कि एनसीटीई के आदेशों पर अमल किया गया है, उसमें बीएड को पात्र बनाने की बात हुई थी। आने वाले समय में फिर से कोई झगड़ा खड़ा ना हो इसलिए प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से यह फैसला जरूर ले लिया गया, लेकिन अब इन प्रशिक्षुओं का यह कहना है कि कहीं ना कहीं इनके भविष्य के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है, जिस तरह से बीएड को भी अब इसमें मान्यता दी जा रही है। ये इतने सारे ट्रेनीज इतनी संख्या में कहां जाएंगे अगर इनकी सीटों पर कोई और भी अपना अधिकार जमाएगा, ये सवाल फिलहाल अभी इनकी ओर से यहां पर उठ रहा है। अगली बात करना चाहेंगे वोटिंग परसेंटेज से जुड़ी, क्योंकि देखिए अभी 75% के करीब यहां मतदान हो चुका है। ये जो पूरा एग्जैक्ट डाटा फिगर हमारे समक्ष आया था 75.60 है और अभी भी यहां पर कुछ एक मतदाता शेष रह रहे हैं, ये सर्विस वोटर्स हैं। कुल इनकी संख्या 70,000 के करीब है। इसमें देखिए एक तो वो श्रेणी थी जो बुजुर्गों वाली श्रेणी थी और जो लोग काफी ज्यादा बीमार चल रहे थे, इसके अतिरिक्त जो जरूरी सेवाएं देने वाले कर्मचारी थे बैलेट पेपर के माध्यम से ये मतदान कर सके, ये यहां पर अधिकार दिया गया था इन्हें चुनाव आयोग की ओर से और इनके लिए तारीख भी यहां तय हुई थी 1 नवंबर से 10 नवंबर तक की। तो 41,000 की संख्या में कुछ एक कर्मचारियों ने और कुछ एक लोगों ने तो अपने मतदान का इस्तेमाल कर लिया था लेकिन कुछ इसमें शेष रह गए थे। लेकिन साथ ही साथ जिन कर्मचारियों की ड्यूटी चुनावों में लगाई गई थी यानी कि चुनावी ड्यूटी में जो काफी ज्यादा व्यस्त थे, ये भी अभी तक मतदान यहां पर नहीं कर पाए हैं, तो इनके पास जो मौका है वो 7 दिसंबर तक का है। 7 दिसंबर तक यहां यानी कि अभी यहां मतदान कर सकते हैं, तो अभी इतनी संख्या यहां शेष रह रही है। और फिलहाल इसमें कुछ एक ऐसे भी कर्मचारी हैं जो कि एग्जिट पोल के इंतजार में बने हुए हैं। देखिए 5 दिसंबर तक तो एग्जिट पोल बिल्कुल बैन कर दिए गए हैं, किसी भी न्यूज़पेपर की ओर से, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की ओर से या टीवी मीडिया की ओर से एग्जिट पोल्स का प्रसारण नहीं किया जा सकता है, लेकिन 5 दिसंबर के बाद तो हो सकता है और इनके पास मौका 7 दिसंबर तक है वोटिंग करने का। तो अब ये इंतजार में बैठे हुए हैं, जिस तरफ को इन्हें लगेगा कि रुझान आ रहा है ये उसी तरफ का रुख करने वाले हैं, ऐसी कुछ एक स्टेटमेंट्स भी इनकी ओर से यहां पर सामने आ चुकी है। काफी ज्यादा स्ट्रेंथ देखा जा सकता है अभी भी बच रही है। फिलहाल ये जो सर्विस में यहां पर लगाए गए थे यानी कि जो सर्विस वोटर्स हैं, संख्या जैसा कि हमने कहा कुल इनकी वैसे तो 70,000 है, ये 70,000 वो संख्या है जिन्हें बैलेट पेपर के माध्यम से यहां मतदान करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन इसमें से कुल अभी 50,000 के करीब ये संख्या बच रही है जिन्हें अभी भी मतदान करना है और ऐसे में रुख इनका किस ओर रहता है ये बिल्कुल देखने वाली बात रहेगी। 41 दरअसल ऐसी ये श्रेणी थी जिसमें एक तो जरूरी सेवाओं में तैनात कर्मचारी थे, बुजुर्ग थे या किसी बीमारी से ग्रस्त जो लोग चल रहे थे, उन्हें इस तरह का मौका इस बार प्रदान किया गया था। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के दौरे से जुड़ी भी अगली जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये दिल्ली के लिए जल्दी ही रवाना होने वाले हैं क्योंकि 25 नवंबर को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ एक जरूरी बैठक होने वाली है। अभी आम बजट पेश होना है और हिमाचल प्रदेश का पक्ष इसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर रखने वाले हैं। सहमति इस बैठक को लेकर मुख्यमंत्री की बिल्कुल बन चुकी है, इलेक्शन कमीशन से यहां अनुमति भी मांग ली गई है और साथ ही साथ अभी इनका जो दौरे को लेकर शेड्यूल है वो भी जारी हो चुका है। मतदान होने के बाद मुख्यमंत्री की ये पहली आधिकारिक बैठक यहां पर मानी जा रही है। दूसरी ओर भाजपा ने भी एक जरूरी बैठक बुला ली है, ये चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक है और विधानसभा चुनाव की समीक्षा के लिए इस मीटिंग को यहां बुलाया गया है। ये जो बैठक है 20 नवंबर को होने वाली है, परवाणु में निर्धारित की गई है। हालांकि अभी वेन्यू इसका जरूर चेंज हो सकता है, इस तरह की संभावना भी बनी हुई है, लेकिन काफी ज्यादा अहम ये बैठक अभी मानी जा रही है क्योंकि देखा जा सकता है कि
यहाँ मतगणना से पहले पहले इस बैठक को बुला लिया गया है और विधानसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए ही इस पर समीक्षा की जानी है। फिलहाल इसकी जिम्मेदारी डॉक्टर राजीव बिंदल को दी गई है जो कि खुद भी अभी नाहन से चुनाव लड़ रहे हैं और जैसा कि हमने कहा चुनाव प्रबंधन और अन्य संबंधित विषयों पर यहां चर्चा बिल्कुल हो सकती है, लेकिन साथ ही साथ एक और बैठक भी अभी भाजपा की यहां होने वाली है और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में ही ये बैठक होगी। इसके लिए विशेष तौर से हर मंडल से रिपोर्ट मांग ली गई है, यानी कि 68 विधानसभा क्षेत्रों में स्थिति अभी कैसी चल रही है, क्या फीडबैक है वहां की, इन सभी मसलों को लेकर इसमें चर्चा होने वाली है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में भाजपा की ओर से कोई नया कदम भी यहां पर उठाया जाए, लेकिन क्या अब यहां पर कई तरह के लगाए जा रहे हैं और कारण इसका यह भी है कि कुछ एक बागियों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिलना शुरू कर दिया है। 11 सीटिंग विधायकों की टिकट देखें यहां पर काट दी गई थी और उसके बाद ये जो विधायक थे इनमें से कुछ बागी हो गए थे, इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया था। हालांकि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व इन्हें मनाता रहा, नामांकन प्रक्रिया तक मनाने का सिलसिला यहां जारी रहा, लेकिन कुछ एक शख्स यहां पर बिल्कुल नहीं माने और अब जो जीतने वाले संभावित चेहरे हैं उनके संपर्क में भाजपा कहीं ना कहीं नजर आ रही है। बात करना चाहेंगे पूर्व विधायक केएल ठाकुर की, क्योंकि इस बार इन्हें तो टिकट नहीं दिया और इस बार नालागढ़ सीट से लखविंदर राणा को यहाँ टिकट दिया गया है जो जिन्होंने अभी कुछ समय पहले ही भाजपा ज्वाइन की थी। इससे काफी ज्यादा नाराजगी केएल ठाकुर ने जताई थी और निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया। फिलहाल अभी ये देखने में आ रहा है, ये जो मुलाकात आज ओक ओवर में हुई है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की और केएल ठाकुर की, संभावना ये बनी हुई है कि जितने भी जीतने वाले निर्दलीय चेहरे हैं उनके संपर्क में भाजपा बनी हुई है और हो सकता है कि बाद में भाजपा इन्हें अपनी पार्टी में भी शामिल करने की बात कहे। इस तरह के क्या सभी लग रहे हैं, फिलहाल खुलकर ये जानकारी भी सामने नहीं आ पाई है कि मुख्यमंत्री ने स्वयं इन्हें मिलने के लिए बुलाया था या केएल ठाकुर खुद से ओक ओवर पहुंचे थे, क्योंकि साथ ही साथ 3 से 4 और बड़े ऐसे चेहरे हैं भाजपा के प्रत्याशियों का आना जाना अभी लगा हुआ है ओक ओवर में, तो ऐसा ही कुछ यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। रामपुर से कॉल नेगी, जुब्बल कोटखाई से चेतन ब्राक्टा, रोड़ू से शशि बाला कांग्रेस की, इसके अतिरिक्त कांगड़ा की सुलह सीट से विपिन सिंह परमार, सुंदरनगर से राकेश चंवाल, इन्होंने भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से यहां मुलाकात की है और फिलहाल जीत का दावा कर रहे हैं। अपने अपने क्षेत्र की ग्राउंड रिपोर्ट कहीं ना कहीं इन्होंने यहां पर देनी चाहिए है और सभी जीत का दावा कर रहे हैं। फिलहाल कांग्रेस की बात करें तो जो जितने भी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनका भी यही कहना है, भाजपा के प्रत्याशियों का भी यही कहना है, लेकिन अब इनकी जीत और हार का फैसला तो ईवीएम में पूरी तरह से कैद होकर रह गया है। तो देखा जा सकता है अभी बागियों को मनाने का सिलसिला हम कह सकते हैं कि अभी भी जारी है। शीर्ष नेतृत्व अभी भी कहीं ना कहीं इसी होड़ में लगा हुआ है भाजपा का, जबकि मतगणना के लिए अब कुछ ही दिनों का समय यहां शेष रह गया है और सरकार के गठन के लिए भी समय कुछ ही दिनों का हम कहना चाहेंगे कि शेष रहा है। अगली बात करना चाहेंगे सभी विभागों बोर्ड्स और कॉरपोरेशन से जुड़ी, क्योंकि नए आदेश आई हाईकोर्ट की ओर से इनके लिए यहां पर जारी हुए हैं। दरअसल अदालत के दौरान एक सुनवाई यहां होनी थी और उस वक्त एक अधिकारी काफी ज्यादा लेट पहुंचे और इसका नतीजा अब भुगतना पड़ रहा है सभी कर्मचारियों को, क्योंकि सभी कर्मचारियों के लिए ये आदेश हाईकोर्ट की ओर से जारी हो चुके हैं। हाईकोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान ये शिक्षा विभाग के अधिकारी थे जो काफी ज्यादा लेट पहुंचे और उस वक्त खंडपीठ की ओर से ये टिप्पणी कर दी गई शिक्षा विभाग पर कि यदि अदालत में ही इतने समय लगाकर यहां ये अधिकारी पहुंच रहे हैं तो फिर अपने कार्यालयों में कभी पहुंचते होंगे। और उसके बाद आदेश ये जारी हो गए हाईकोर्ट की ओर से कि बायोमेट्रिक मशीन सभी विभागों में, बोर्ड्स में और कॉर्पोरेशंस में लगा दी जाए ताकि सरकारी कर्मचारी समय से अपने कार्यालय में पहुंच सके। अभी शिक्षा विभाग की बात करें तो देखिए निदेशालय की ओर से इस तरह के आदेश जारी हुए थे सभी स्कूल्स के प्रिंसिपल्स के लिए कि 1 नवंबर से ही वहां पर बायोमेट्रिक मशीन से हाजिरी शुरू हो जानी चाहिए, जहां पर खराब है वहां पर इन मशीन को ठीक करवा दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी देखने में ये आ रहा था कि कुछ एक सरकारी स्कूलों में फिर बायोमेट्रिक मशीन अभी तक नहीं लगी थी, लेकिन अब जितने भी सरकारी विभाग हैं, बोर्ड्स हैं, कॉर्पोरेशंस हैं, स्कूल्स हैं, उनके लिए काफी ज्यादा जरूरी हो चुका है ताकि वहां पर स्टाफ सही समय पर पहुंच सके और इसमें किसी तरह की कोई कोताही ना हो, तो वहां पर बायोमेट्रिक मशीन लगनी चाहिए। हाईकोर्ट की ओर से कहीं ना कहीं इसमें सख्ती बढ़ती गई है।